जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कमाल का पेनी स्टॉक लेकर आया हूं आप सबके लिए। पेनी स्टॉक में हम लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कम समय में बेहतर रिटर्न मिल सके, एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो ऑलरेडी बड़ी कंपनियां हैं वो ग्रो हो चुकी है, उसमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जबकि छोटे स्टॉक्स में जैसे कि यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, इसमें देखेंगे तो छोटी कंपनी है, तो इसमें भी ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ये ग्रो कर भी रही है। मैं इस कंपनी के आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, पिछले कुछ समय में जबरदस्त तेजी से स्टॉक में बना है और अभी भी एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, जिसकी वजह से जो लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं, यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वीडियो में इसी चीज को हम लोग समझेंगे और यह भी समझेंगे कि किसी व्यक्ति का पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी देखेंगे तो यहाँ पर तेजी आने लगा इस स्टॉक में, तो अब इस तेजी में उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अभी और होल्ड करने की आवश्यकता है और उनका विजन अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या करना है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। यामिनी इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करने से पहले बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर जब हम लोग इस कंपनी को देखते हैं तो पाते हैं कि इस कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। सामान्यतः जो छोटे स्टॉक्स होते हैं रेड फ्लैग यानी कि ईएसएम या जीएसएम कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ईएसएम या जीएसएम लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से इसमें सभी तरफ कह सकते हैं कि इसको ग्रीन झंडा मिला है और तुम बढ़ते जा, बढ़ते जितना बढ़ना है बढ़ जा। तो इस वजह से शेयर प्राइस में क्या होता है कि जब कोई रेड फ्लैग नहीं होता तो शेयर में बिना रुके एकदम मतलब बेझिझक तेजी इस स्टॉक में आते हैं और जो तेजी इस स्टॉक में आते हुए आपको देखने को मिल भी रही है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ₹1.23 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस अभी चल रहा है और सिर्फ 5 पैसा बढ़ने से इस कंपनी में अपर सर्किट लग जाएगा। हालांकि 5 पैसा डाउन हुआ तो लोअर सर्किट भी लग जाएगा, लेकिन अपर सर्किट लगने के चांसेस इस स्टॉक में ज्यादा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं शेयर प्राइस में भी क्या चल रहा है, तेजी का दौर चल रहा है, शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है तो इसमें प्राइस ₹1.29 के करीब आएगा, न कि प्राइस ₹1.17 के पास जाएगा। तो जब प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा तो अपर सर्किट लग जाएगा और अपर सर्किट लगने का मतलब यह होता है कि बिना रुके शेयर में तेजी आती है और तकरीबन 4-5% के बीच तेजी के साथ स्टॉक तो डेली ऊपर की तरफ जाता है। मान लीजिए यदि आप सही समय पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपका पोर्टफोलियो डेली 4-5% के हिसाब से ग्रो करेगा जब तक कि स्टॉक अपर सर्किट में रहेगा। और मान लीजिए यदि अपर सर्किट में नहीं भी लगता है स्टॉक, तब भी तो तेजी आ ही रही है स्टॉक में, तेजी के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तब भी आपको बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे कमाल का मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ। देखिए एक सप्ताह में देखेंगे तो स्टॉक ने तकरीबन 20% के आसपास का रिटर्न निकाल कर दिया है और पिछले एक मंथ में देखेंगे तो तकरीबन 27% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। आप बताइए कोई भी बड़े स्टॉक का आप नाम ले लीजिए, चाहे HDFC बैंक हो, रिलायंस हो, ICICI हो, आपको कोई भी बड़ी कंपनी अडानी समूह का आप नाम ले लीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि एक सप्ताह में या एक मंथ में इतना हैवी रिटर्न इन दिनों में किसी भी स्टॉक ने दिया हो। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक में होता है जो कि चलते हैं तो रॉकेट की रफ्तार से चलते हैं और आपके पोर्टफोलियो को इसी हिसाब से ग्रो करते हुए चलते हैं। यहाँ पे जब वॉल्यूम में देखते हैं तो वॉल्यूम भी इस स्टॉक में अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखा है। यहाँ पे एक चीज दिखे, पिछले दिनों 24 लाख का टोटल कारोबार हुआ था इस स्टॉक में और पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तकरीबन 32 लाख के आसपास कारोबार हुआ था, ठीक है। अब एक दिन में देखिए, मैं पिछले दिनों की बात करूं, क्योंकि आज मंडे तो आज तो मार्केट अभी ओपन होगा, तो एक दिनों में यहाँ पे 32 लाख के आसपास ट्रेडिंग होते हुए दिखा है। कहने का मतलब ये हुआ कि पिछले एक सप्ताह में जितना कारोबार पहले होता था उतना अब एक एक दिनों में होते हुए दिख रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी नए बायर्स इस स्टॉक में आ रहे हैं, क्योंकि पहले से जिसके पास शेयर्स हो तो बेचेगा नहीं, क्योंकि अब शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये नए लोग हैं जो इस मार्केट में आ रहे हैं इस कंपनी के शेयर को उठाने के लिए। अब समझिए यामिनी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है, बेसिकली एक NBFC कंपनी है, फाइनेंस के सेक्टर में आपको कामकाज करती हुई दिख जाएगी, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। NBFC कंपनी का मेन काम यही होता है, काम काफी बढ़िया है। देखिए फाइनेंस के सेक्टर में जो कंपनी है काम करती है, खासकर छोटी कंपनी, उसको मैं बहुत ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी में वाकई दमखम होता है और ये सेक्टर ही ऐसा है कि जिसमें ग्रो होके ही रहेगा, कोई भी स्टॉक उसमें काम कर ले। अब यहाँ पे देखिए मार्केट कैप भी लगातार बढ़ रहा है, 67-65 करोड़ के आसपास तकरीबन मार्केट कैप पहुंच गया है और जिस रफ्तार से शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, मुझे उम्मीद है जल्दी 100 करोड़ के आसपास मार्केट कैप इसका पहुंच जाएगा और एक बार 100 करोड़ के ऊपर कंपनी का वैल्यू से निकल गया तो इस कंपनी सेफ जोन में आ जाएगी, फिर इसमें कोई रिस्क उतना रिस्क नहीं रहेगा। स्टॉक का प्राइस देखिए लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसका डिमांड भी बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ने की वजह से स्टॉक अभी काफी महंगा हो गया, 260 के आसपास हो गया है, तो इतने महंगा वैल्यूएशन पे तो हमें शेयर नहीं बाई करना चाहिए। लेकिन चार्ट पर हम लोग लेवल देखेंगे और लेवल देख के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि किस लेवल पे स्टॉक का प्राइस सही रहेगा बाई करने के लिए। तो जब लेवल देख के आप बाई करते हैं तो फिर पीई आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता, रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस नहीं है, ये आपको काफी पॉजिटिव बात हो जाता है किसी स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यदि रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट होता है
लोगे ही या आपका माइनस में रहे तो फिर आपको क्या ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, एक साल के चार्ट पर देखेंगे तो आप देखिए लगातार शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही इसका मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर छोड़ दिए तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये स्टॉक जो रेंज बाउंड में घूम रहा था 1 रुपए 10 10 पैसे से लेकर 1 रुपए 11 पैसे के बीच में, इस रेंज बाउंड को भी स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब क्या होगा, ये जो प्राइस ऊपर की तरफ, चूंकि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकला है तो सीधे ये जाएगा इसके यहाँ तक तो आएगा ही 1-1.5 रुपए के आसपास, और 1.5 रुपए के ऊपर निकला तो इसके डबल यानी कम से कम 3 रुपए तक इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको इजिली शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखेगा। तो अभी क्या होगा, मैंने पहली बार जब पिछली बार इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो बताया था कि स्टॉक जब इस रेंज में फंसा हुआ था कि जैसे इस रेंज से बाहर निकलेगा यहीं पे एंट्री ले लीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे उनके तो ये बल्ले बल्ले होगी, वो होल्ड कीजिए, बिंदास होल्ड कीजिए 1.5 रुपए तक, 1.5 रुपए से निकलने के बाद फिर 3 रुपए तक आप होल्ड कीजिए, वहां तक पैसा कमाइए। अब जो लोग नहीं कर पाए हैं वो अभी एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, जो नए व्यक्ति भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से जब रिट्रेसमेंट होगा और फिर प्राइस रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा तो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे जो अभी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हालांकि चढ़ती हुई रेलगाड़ी में अभी चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ये तेजी इसलिए भी आ रही है क्योंकि कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर अच्छा रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल बेहतर हो रहे हैं। क्वार्टर्स के नंबर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कंपनी में जबरदस्त सेल्स पिछले कुछ दिनों में होते हुए दिखा है। मार्च क्वार्टर रिजल्ट में तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ, जो पिछले कई क्वार्टर में कभी भी यहाँ पे देखेंगे जितना हैवी सेल्स कंपनी का नहीं हुआ था जितना मार्च क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का सेल्स होते हुए दिखा है। और इसका बदौलत कंपनी जो पहले घाटे में थी, घाटे से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। देखिए पहले कंपनी लॉस में थी लेकिन मार्च क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी 17 लाख के आसपास प्रॉफिट में आ गई है। ये काफी बढ़िया बात है, इतना ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को पिछले कई क्वार्टर में देखेंगे तो कभी नहीं हुआ था। और इस प्रॉफिट के पैसा से कंपनी ने अपने डेब्ट को भी कम चुका दिया है। बैलेंस शीट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी कंपनी के पास कोई भी डेब्ट नहीं है, बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी हो गई है। यहाँ पे देखिए कोई कंपनी के पास अभी डेब्ट नहीं है, और प्लस कंपनी के पास अभी डेब्ट नहीं है तो जो प्रॉफिट हुआ उसने उससे कंपनी ने अपने रिजर्व को बढ़ाया और रिजर्व बढ़ के 15 करोड़ 13 लाख के आसपास हो गया। तो ओवरऑल कंपनी का क्या हो रहा है, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है, और जब फंडामेंटल मजबूत होगा तो सेक्टर में तो अग्रणी है ही कंपनी, फाइनेंस सेक्टर में काम करती है और काम काज भी ठीक है, फंडामेंटल भी बढ़िया है, तो शेयर प्राइस लगातार आपको कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। इसलिए आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। आपको घबराने की बात इसलिए भी नहीं क्योंकि इस कंपनी में देखेंगे तो प्रमोटर्स भी हैं, 2% के आसपास प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, थोड़े बहुत जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं उनकी भी अपने देश की हिस्सेदारी, यानी कि जो फाइनेंस सेक्टर होता है उस पर सभी को भरोसा होता है, इसलिए इसमें सिर्फ पब्लिक की हिस्सेदारी नहीं है, इसमें कंपनी के प्रमोटर्स और डीआई की भी हिस्सेदारी है। तो आपको समझना होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट एक ठीक ठाक कंपनी है, आपका इन्वेस्टमेंट है तो बेशक समय दीजिए, और जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं है मैंने जो लेवल बता दिया वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मन में कोई सवाल होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।